गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसका लास्ट पॉइंट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एक्सेस डिमांड। इसको एक अलग नाम से पढ़ रहे हैं। इस फिगर को आप पहले ही पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने देखा था वहाँ हमने इसको पढ़ लिया था, बट इसी पॉइंट्स के थ्रू हम एक्सेस डिमांड और डिफिशियंट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड रिफर्स्ट वे सिचुएशन है एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। हमने पढ़ा था कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, या पॉइंट है ई। जहाँ दोनों इक्वल होते हैं वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में सबका यूज हो चुका है, जितने लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए सबको एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, सभी रिसोर्सेज का पूरा यूज हो चुका है। अब प्रोडक्शन इसके बाद इंक्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इकोनॉमी के सभी रिसोर्स जब एम्प्लॉयमेंट में हैं उसके बाद हम अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड, ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड यह है और एग्रीगेट सप्लाई यह है, यह दोनों इक्वल है पॉइंट ई पर, यह फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम है। और बहुत बार सिचुएशन इकोनॉमी में ऐसी भी होती है कि एग्रीगेट डिमांड इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम से ऊपर हो जाती है। अभी देखिए इस फिगर में जो एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड है वह, अभी देखिए एडी क्या होता है सी प्लस आई, बट कुछ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया गया। ये देखिए डेल्टा आई यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज, यह जब हुआ तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई। एग्रीगेट डिमांड होकर कहाँ चली गई, यह इसके ऊपर चली गई एग्रीगेट डिमांड इतना। अब हमने यह देखा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअल में जहाँ ई पॉइंट पर इक्वल है, यहाँ पर इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्स हैं प्रोडक्शन के सबका यूज किया जा चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं है कि यह जो डिमांड इंक्रीज हो रही है इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हम प्रोडक्शन या आउटपुट इंक्रीज कर सके, यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह जो सिचुएशन है जब यह डिमांड एक जहां यह एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्वल होती है, इसके ऊपर जब डिमांड चली गई तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, प्रोडक्शन और आउटपुट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन बस क्या आएगी, डिमांड हो गई एक्स्ट्रा, प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर नहीं सकते क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट सभी एम्प्लॉय जितने रिसोर्स है सबको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, सबका रिसोर्सों का यूज हो रहा है। जब इसके बाद जब ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो इससे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है बट मार्केट में गुड्स की सप्लाई इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर जब एग्रीगेट डिमांड जाती है तो इसको एक्सेस डिमांड बोलते हैं। और यह जो गैप है इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, इसमें प्राइस इंक्रीज होता है। यह इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, जो ई पॉइंट से और यह पॉइंट आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट, यह दोनों बीच की सिचुएशन क्या है, यह जो ई और यह पॉइंट के बीच हम देख रहे हैं गैप, यह इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ के बाद प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न आप समझ गए कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ बराबर है, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। इसका मीनिंग यह है कि जितने भी रिसोर्स प्रोडक्शन के हैं इकोनॉमी में सभी का यूज़ हो चुका है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, हमारे पास नया रिसोर्स नहीं है। अब यह जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया गया, तो डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। सप्लाई इंक्रीज नहीं होने के कारण यह क्या है, यह इसको इतना प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है। और डिमांड क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई है, एक्स्ट्रा डिमांड होने के कारण प्राइस इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, अभी देखिए रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का रीजन क्या क्या है, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी हमारी बढ़ जाती है, हम कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। रिडक्शन इन टैक्सेस, गवर्नमेंट जब टैक्स क्या कर दे, कम कर दे, डिक्रीज करे, जब गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज करेगी तो पब्लिक के पास ज़्यादा इनकम बचेगी एक्सपेंड करने के लिए, ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो एक्सेस डिमांड हो जाती है। इंक्रीज, देखिए यहाँ पर आई मिस हो गया है,
इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करे। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, गवर्नमेंट क्या करे, बहुत सारे रोड बनाए अचानक, बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे और भी फैक्ट्री बनाए, बहुत सारे रेलवे रूट बनाए, बहुत जगह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज कर दे, लोगों की इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब अचानक बढ़ जाएगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आएगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना हो जाने से अभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन हम पहले ही पा चुके हैं। हम अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, फुल एम्प्लॉयमेंट सभी लोगों को भी, जितने रिसोर्स हैं प्रोडक्शन सबको यूज कर चुके हैं। इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है, एक्सेस डिमांड होती है। एक टर्म आता है डिफिसिट फाइनेंसिंग। इस यह डिफिसिट फाइनेंसिंग है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज़्यादा होते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग है जब गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो वह सेंट्रल बैंक के आरबीआई से लोन लेता है। उसके लिए आरबीआई नए करेंसी प्रिंट करता है, मैक्सिमम टाइम पर नए करेंसी प्रिंट करता है। इसे क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। यह सिचुएशन डेफिसिट फाइनेंसिंग की तब आती है जब गवर्नमेंट की इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाए। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम है नहीं, तो उसको क्या करेगा, उसको कवर करने के लिए गैप को वह रिजर्व बैंक से लोन लेगा। उस लोन को रिजर्व बैंक क्या करेगा, मैक्सिमम टाइम पर नई करेंसी प्रिंट करके उस लोन को देता है। तो नया करेंसी जब मार्केट में आ जाएगी और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हम, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा और एक्सेस डिमांड होगी। फॉरेन इम्पोर्ट, कोई ऐसी गुड्स है जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, अदर कंट्री से आती है, उसका इम्पोर्ट क्या हो गया, कम हो गया, तो वो गुड्स की क्वांटिटी हमारे कंट्री में कम हो जाएगी, तो भी एक्सेस डिमांड हो जाएगा उस गुड्स का। राइज इन एक्सपोर्ट, कोई गुड्स ऐसी है जो हमारे कंट्री में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें अवेलेबिलिटी में मार्केट में, बस ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाए, अदर कंट्री को भेज दिया जाए, हमारे कंट्री में ही कम हो जाए। जब गुड्स कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आएगी। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, यह क्वेश्चन ओन मार्क से पूछे जाते हैं बहुत बार कि आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, एक्सेस डिमांड का आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। हमने देखा है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में यह AS है, यह AD है, यह ओरिजिनल सिचुएशन है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अभी जो एक्सेस डिमांड क्या हुआ, AD1, यह एक्स्ट्रा हो गया है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमको कहाँ मिल चुका है, ई पॉइंट पर। इसका मीनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट का है कि जितने भी रिसोर्स प्रोडक्शन के हैं सबको हम यूज कर चुके हैं, इसके बाद हम अब प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज कर सकते, तो आउटपुट पर क्या होगा, नो इफेक्ट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, नो इफेक्ट। फुल एम्प्लॉयमेंट पहले ही है, तो यह एक्स्ट्रा एग्रीगेट डिमांड होने के बाद प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ा सकते हैं। बस क्या, किस पर इफेक्ट आएगा, प्राइस लेवल के ऊपर। प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिमांड या इंक्रीज हो गई, एक्स्ट्रा डिमांड हो गई, हम प्रोडक्शन इसके ऊपर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि पहले सभी रिसोर्सेज का यूज इकॉनमी में हो चुका है, इसलिए प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक्सेस डिमांड में आउटपुट के ऊपर नो इफेक्ट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नो इफेक्ट, बट प्राइस लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, यह हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डिफिशियंट डिमांड। डिफिशियंट डिमांड क्या है, जब डिमांड कम हो जाती है। अभी सेम वह फिगर हम देखेंगे, यह एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, C+I। अब यह दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम मीन्स फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट ही पर इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, यह फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस पर सभी रिसोर्सेज को हम यूज कर लेते हैं, बट अभी सिचुएशन ऐसी भी बहुत बार होती है कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। यह डिमांड क्या है, इतना कम है, तो इसमें हम देख सकते हैं यह इतना डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज हैं जिनका यूज हमने नहीं किया है, तो हम एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अभी प्रोडक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज अभी बचे हुए हैं जिनका यूज हमने नहीं किया है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम यहाँ पर होता है, बट AD ओरिजिनल में क्या है, इकोनॉमी में यह है AD1 है एग्रीगेट डिमांड, तो यह इतना गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, यानी डिमांड कम है, जो डिमांड होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के उससे कम है, तो डेफिशिएंट डिमांड है। नेक्स्ट,
देखिए इसका क्या इफेक्ट है, रीजन फॉर, देखिए रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड, इसका रीजन क्या है, डिमांड कम क्यों हो जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, जो हमारे डिक्रीज हो जाए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा कंज्यूम करने की जो हमारी प्रोपेंसिटी है क्या हो जाए, कम हो जाए, हम कम कंजम्पशन करने लगे तो डिमांड डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी, डिमांड अपने आप कम हो जाती है। इंक्रीज इन टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स बहुत इंक्रीज कर दे, गवर्नमेंट जब टैक्स इंक्रीज करेगी तो हमारे पास एक्सपेंडिचर के लिए मनी क्या होगा, कम होगा। जब हमारे पास एक्सपेंडिचर के लिए मनी कम होगा तो हम कम एक्सपेंड करेंगे, कम एक्सपेंड करेंगे तो डिमांड कम होगी, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। उसी तरह सेम अपोजिट है, जो एक्सेस डिमांड में था इसके सब अपोजिट रीजन है, जो उसमें एक्सेस डिमांड में है उसका सब अपोजिट रीजन है डेफिशिएंट, डिमांड कम है इसमें। अब देखिए इम्पैक्ट इसका, आउटपुट डिक्रीज हो गया है क्योंकि हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे कम एग्रीगेट डिमांड है, आउटपुट क्या हुआ, डिपार्टमेंट कम होने से डिक्रीज हो गया, इसको हम चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है एग्रीगेट डिमांड, तो यह भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। एग्रीगेट डिमांड जब कम हो जाएगी तो दोनों क्या होगा, डिक्रीज, इनको चाहे तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। प्राइस लेवल भी देखिए, प्राइस लेवल में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ क्योंकि डिमांड ही कम है, जब लोग परचेज ही नहीं करेंगे मार्केट में तो गुड्स के प्राइस अपने आप कम हो जाते हैं, तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। अभी यही हमने देखा था एक्सेस डिमांड में, तो आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा था। डेफिशिएंट डिमांड देखें तो क्या होगा, तीनों डिक्रीज हो रहे हैं, आउटपुट भी डिक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, डेफिशिएंट डिमांड हो जा रही है, आउटपुट भी कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है और प्राइस लेवल भी कम हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आएगी। देखिए इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, करेक्ट करने का, एक्सेस डिमांड हमारे कंट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। हमने पहले भी देखा है कि दो तरह की पॉलिसी होती है हमारे कंट्री में, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। यह फिजिकल पॉलिसी जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है एक उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। मेन इसमें होता है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिंग और गवर्नमेंट के टैक्सेस, यह जो दोनों के लिए रूल बनाती है वो फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। यह जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे कंट्री में जो आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। फिजिकल पॉलिसी देखते हैं पहले, हमारा एक्सेस डिमांड है, डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। इसमें गवर्नमेंट अपने टैक्स जो उसका एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, कम करेगी। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी तो बहुत सारा मनी मार्केट में नहीं जाएगा, गवर्नमेंट रोड बनाना कम कर देगी, हाईवे बनाना कम कर देगी, गवर्नमेंट ओवरब्रिज बनाने कम कर देगी, हॉस्पिटल और बहुत सारी चीज़ें बनाना कम करेगी, कम करेगी तो लोगों को इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड धीरे धीरे डाउन होगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। इसी तरह टैक्स, लोगों के पास एक्सेस डिमांड के मतलब क्या है, लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को इंक्रीज कर देगी। अब टैक्स इंक्रीज करेगी लोगों के पास कम इनकम होगी, लोग कम इनकम होगी डिमांड कम करेंगे, जब लोग डिमांड कम करेंगे तो यह अपने आप एक्सेस डिमांड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। यह फिजिकल पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी बनाती है वो फिजिकल पॉलिसी है, उसमें दो उसके इंस्ट्रूमेंट है मेन, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं, टैक्स इंक्रीज करना डिक्रीज करना नए टैक्स लगाना है सब क्या है, फिजिकल पॉलिसी में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। सेकेंड है इसको करेक्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई बनाती है उस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। यह हमने बैंकिंग चैप्टर में था लेकिन बैंकिंग चैप्टर से इसको पूरा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी को, बैंकिंग से हटा दिया गया, तो जब जहां पर मेन है यह मॉनेटरी पॉलिसी वहां से हटा दिया गया तो यहां भी यह हटा ही है, जब वहां से मॉनेटरी पॉलिसी खत्म कर दी गई तो हटी है। इसमें से एक देख लीजिए बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इंडिया में जब उनको तुरंत लोन की रिक्वायरमेंट, बहुत बार होता है बैंकों के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो उनको तुरंत जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है बहुत बड़े अमाउंट की तो आरबीआई से लोन लेते हैं। जितने भी आरबीआई को छोड़कर जितने भी कमर्शियल बैंक आपको शहर में देखेंगे सब कम, आईसीआईसीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक हो, ये सब क्या है कमर्शियल बैंक है, इनको जब पैसे की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा तो ये आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई जिस रेट इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है वो इंटरेस्ट रेट क्या होती है, बैंक रेट होती है। इसको इंक्रीज करके डिक्रीज करके जब बैंक आरबीआई से लोन लेंगे वह आरबीआई क्या करेगा, इस बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। जब बैंक रेट इंक्रीज होगी तो जो बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से उनको महंगा मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट है यह,
कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक रेट है। तो जब बैंक रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देगा, जब बैंक रेट को आरबीआई इंक्रीज करेगा तो जितने भी कमर्शियल बैंक जो उसे लोन ले रहे हैं उनको महंगा पड़ेगा, कॉस्टली। जब उनको कॉस्टली पड़ेगा तो लोगों को भी कॉस्टली देंगे, जब लोगों को कॉस्टली लोन मिलेगा तो वह कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो उनका एक्सपेंडिचर क्या होगा, डाउन होगा। जब उनका एक्सपेंडिचर लोगों का डाउन होगा तो एक्सेस डिमांड क्या होगी, सही होगी, धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। तो इस तरह बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, बैंकिंग सेक्टर का है, बैंकिंग चैप्टर का, बट इसको सिलेबस से हटा दिया गया। या फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें टैक्स है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। देखिए डिफिशिएंट डिमांड, डिमांड कम है तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं, इसमें भी सेम है वही। जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई बनाती है। तो फिजिकल पॉलिसी में दो है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और टैक्स है। इसमें क्या करेगी, डिमांड क्या है, कम है, इसको डिमांड को इंक्रीज करना है गवर्नमेंट को। डिमांड तब इंक्रीज होगी जब लोगों के पास मनी क्या होगी, ज़्यादा करेंसी ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उसका एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करेगी। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, कहीं कोई फैक्ट्री बनाएगी, रेल की पटरियां बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, रोड बना रही है, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। अब ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे लोग तो इनकम डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिफिशियंट डिमांड खत्म हो जाएगी। लोगों को इनकम बढ़ाने का था क्योंकि डिमांड कम है, डिमांड इंक्रीज करने का यही उपाय है कि लोगों के ज़्यादा इनकम हो, उसका उपाय है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे। सेकेंड है टैक्स, गवर्नमेंट जब टैक्स रेट कम करेगी तो लोगों को गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा, तो लोगों के पास मनी क्या होगा, ज़्यादा सेव, ज़्यादा सेव होगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे। जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो डिमांड अपने आप क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस तरह फिजिकल पॉलिसी वर्क करती है। और वही सिंपल सिचुएशन मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की पॉलिसी है, इसमें बैंक रेट, रेपो रेट, बहुत सारे रेपो रेट हैं, बहुत सारे रेट्स हैं। इसमें बैंक रेट देख लीजिए, बैंक रेट क्या है, जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं तो उस जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई लेता है उनसे वो क्या होता है, बैंक रेट होता है। अभी डिमांड कम है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे भेजना है तो आरबीआई क्या करेगा, इस बैंक रेट को कम कर देगा। जब बैंक रेट को कम कर देगा आरबीआई तो उसके बाद जो कमर्शियल बैंक है उनको कम पैसे में लोन मिलेगा। जब कम पैसे में कम एक्स उनको लोन मिलेगा कम रेट पर, तो पब्लिक को कम रेट पर लोन देंगे। जब कम रेट पर पब्लिक को लोन मिलेगा तो ज़्यादा लोग लेते हैं, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो डिमांड धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी और डिफिशियंट डिमांड खत्म हो जाएगी और यह एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। और यह फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम होता है। ऐसा किन्स ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में डिसबैलेंस हो, तो यह फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपने पॉलिसी से इसको कंट्रोल करते हैं। एक्सेस डिमांड है तो उसको डिमांड को कम करना है, लोगों के पास पैसे कम भेजना है। डिफिशियंट डिमांड है तो उसको इनकम को इंक्रीज करना है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे भेजना है और इससे करेक्ट करना है इनको। ये होमवर्क के क्वेश्चन हैं।